विदेशी होते हुए भी हिंदी सिनेमा का अभिन्न हिस्सा बनने वाले कलाकारों का जब भी जिक्र छिड़ता है तो इस फेहरिस्त में अभिनेता टॉम वॉल्टर का नाम जरूर गिना जाता है। टॉम वॉल्टर आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें आज भी एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जो दिखने में भले ही विदेशी था लेकिन दिल से खालिस देसी था। टॉम वॉल्टर का जन्म 22 जून 1950 को उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी में हुआ था। जी हाँ, अमेरिकी मूल के टॉम वॉल्टर जन्म से हिंदुस्तानी थे। टॉम वॉल्टर का असल नाम थॉमस बीच वॉल्टर था। टॉम वॉल्टर का परिवार लंबे वक्त तक मसूरी में रहा था। टॉम वॉल्टर की पढ़ाई लिखाई मसूरी के प्रतिष्ठित वुडस्टॉक स्कूल से हुई थी। 18 साल की उम्र में टॉम वॉल्टर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। हालांकि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा तो एक साल के बाद ही वो भारत वापस लौट आए। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कुछ वक्त तक टीचर की नौकरी भी की थी। आप जानकर हैरान होंगे कि युवा टॉम लंबे वक्त तक ये तय करने में नाकाम रहे थे कि उन्हें अपना करियर आखिर किस क्षेत्र में आगे बनाना है। टॉम वॉल्टर के लिए एक्टर बनना कभी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा था। अमेरिका से लौटते ही टॉम बिना किसी ट्रेनिंग के टीचर पिता की मदद से टीचर की नौकरी पर लग गए। कुछ वक्त तक उन्होंने हरियाणा के सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाया, फिर मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में जहां उनके चाचा प्रिंसिपल थे वहां भी नौकरी की। टीचर की जॉब से मन ऊब गया तो अमेरिका के अस्पताल में काम करने लगे। इसी तरह वो 2.5 साल तक अलग अलग तरह की नौकरियां करते रहे। फिल्मों से टॉम वॉल्टर को प्यार राजेश खन्ना की वजह से हुआ था। कहते हैं कि साल 1970 में टॉम वॉल्टर राजेश खन्ना की फिल्म आराधना देखने गए थे। फिल्म इतनी अच्छी लगी कि टॉम वॉल्टर को सिनेमा से इश्क हो गया। 2 साल बाद ही उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII ज्वाइन कर लिया। शायद ही आप जानते होंगे कि नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे मंझे हुए कलाकार FTII में उनके जूनियर थे और शबाना आजमी उनकी सीनियर। टॉम वॉल्टर भले ही विदेशी दिखते थे लेकिन हिंदी और उर्दू बोलने में वो अच्छे अच्छों को फेल कर देते थे। FTII से ग्रेजुएशन के बाद टॉम वॉल्टर ने पहली फिल्म देवानंद के साथ साइन की थी जिसका नाम था साहिब बहादुर। हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म रही थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म चरस। फिल्म में टॉम वॉल्टर ने कस्टम ऑफिसर का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई। परवरिश, राम भरोसे, नौकरी, देश परदेश, क्रांति, कुदरत, ब्रजभूमि, गांधी, विधाता, राम तेरी गंगा मैली, शर्त, वर्दी और वीर जारा समेत करीब 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई मशहूर हिंदी सीरियल्स में भी यादगार भूमिकाएं निभाई जिसमें से जुनून, भारत एक खोज, जुबान संभाल के, शक्तिमान और रिश्तों का चक्रव्यूह सबसे खास रहे। टॉम वॉल्टर ने अपनी स्कूल फ्रेंड रही कैरोल इवान से शादी की थी। वह 2 बच्चों, एक बेटा जेमी और बेटी अफशा के पिता बने। टॉम वॉल्टर स्किन कैंसर से पीड़ित थे। उनका कैंसर स्टेज 4 में था। 29 सितंबर 2017 को टॉम वॉल्टर दुनिया को अलविदा कह गए थे। उन दिनों वो सीरियल रिश्तों का चक्रव्यूह का हिस्सा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।